पेंशन से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने फैसले पर विचार पुनर्विचार नहीं करेगा और इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने 16 मार्च 2022 के फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार कर। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो संगठन है पूर्व सैनिकों का, उनकी ये याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी पुनर्विचार याचिका पर विचार किया गया है और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला, आधार नहीं मिला है, कोई ऐसी मेरिट नहीं मिली है जिसके आधार पर अपने पुराने फैसले को पुनर्विचार किया जाए या फिर इस मामले की एक बार फिर से खुली अदालत में सुनवाई हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने चैम्बर में यह फैसला किया, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। दरअसल 16 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जो ओआरपी ओपी योजना थी उस पर अपनी मोहर लगाई थी, बड़ी राहत केंद्र सरकार को दी थी और कहा था कि जो कानून है, जो विधान है, उसमें कहीं भी कोई वैधानिक भाषा नहीं है ओआरपी की, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं कर सकता है और कोई संवैधानिक जो खामी है वो सुप्रीम कोर्ट की को नहीं दिखी है केंद्र सरकार की इस योजना में, इसको लागू करने की योजना में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओआरओपी योजना को लागू किया जाए, जुलाई 2019 से लागू किया जाए और हर 5 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए पेंशन की, ये कहा गया था। तो यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा था जब एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और केंद्र सरकार की जो 2015 की पॉलिसी थी और ओआरओपी को लेकर उसे चुनौती दी गई थी। उनका ये कहना था कि ये असंवैधानिक है और ये भेदभाव करती है समान रैंक में जो पेंशन पाने वाले जो पूर्व सैनिक है उनके साथ भेदभाव करती है और ये एक ऐसी नीति है जो 1965 से लेकर 2013 तक जो पुराने लोग जो सैनिक रिटायर हुए हैं उनको कम लाभ देती है, लेकिन जो 2014 के बाद जो रिटायर होंगे हुए हैं उनको। तो अभी आपने देखा कि वन रैंक वन पेंशन पे काफी रणनीति और काफी बातें बताई जा रही है ओआरओपी को अभी लेके। सबसे बड़ा अपडेट 12 अक्टूबर का आप देख सकते हैं आया हुआ है कि यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन दिवाली से पूर्व हमें मिलेगा तोहफा। जी हाँ, जितने भी तमाम भूतपूर्व सैनिक वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले बता दें कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन का सबसे पहले अपडेट दिया जाता है हमारे पेंशन भोगियों को और दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को तोहफा देगी सरकार। जी हाँ, इस ये चीज़ तो निश्चय है क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया में ये चीज़ निकल के आ रही है और मीडिया हाउसेस को भी पता चल पाया है केंद्र सरकार और अथवा सरकार के माध्यम से कि सरकार तोहफे का वेट कर रही है कि दिवाली आते ही हम सैनिकों को जितनी भी हमारे तमाम भूतपूर्व और पेंशन धारक और मिलिट्री वेटर्नर्स हैं उनको जो काफ़ी लंबे समय से अपने हक का वेट कर रहे हैं, जो 2 साल से बड़ा हुआ उनका पेंशन और उसका ब्याज है, उनको जल्द से जल्द समर्पित किया जाए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है, आपका क्या सोच है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट आपको डेली ओआरओपी को मिलते रहेगा और वन रैंक वन पेंशन का जो फीटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो 2.57 रहेगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूज थे इसलिए मैंने बता दिया, चाहे जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर्स हो, सभी का 2.57 फैक्टर्स रहेगा और ये इफेक्टेड रहेगा 1 जुलाई 2019 से, जो कि 5 साल में हर एक बार रिवाइज्ड होना था। तो आपको जैसा कि पता है कि ओआरओबी वन रैंक वन पेंशन का अब बस कैबिनेट अप्रूवल और बस एक हरी झंडी हमारी सरकार पीसीडे को देना है, इतना में ही हमारे मामला को पूरा कंप्लीट किया गया है। हमारी सरकार द्वारा जितने भी काम थे, पेंडिंग वर्क थे, वो सब ओके है, पेपर वर्क ओके है, क्योंकि ऐसा हमारे मेजर सतवीर साहब जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन है उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे सब काम डन है। चलिए इसी के साथ हम शब्दों को विराम देते हैं। फिर से अनुरोध और आशा करूंगा कि नीचे लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।